You're a superhero. ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जिस प्रकार की न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो इस वीडियो को हम बनाएंगे काइनमास्टर ऐप से। सो अगर आप भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले आप काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आप काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक डाल रखा है, या तो आप मेरे मटेरियल्स वाले लिंक पे क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर ये जो काइनमास्टर है ये हर फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है, तो हो सकता है आपके फ़ोन में सपोर्ट ना करे। तो अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है तो थोड़ा ओल्ड वर्जन का काइनमास्टर डाउनलोड कर लेना, ओके, जो आपके फ़ोन में चले। सो गाइस वीडियो जो पूरा परफेक्ट तो नहीं है, बट मैंने पूरा कोशिश किया कि वीडियो पूरा अच्छा बने, ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो गाइस सबसे पहले आपको काइनमास्टर में आ जाना है वीडियो एडिट करने के लिए, और क्रिएट यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऊपर आपको इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इम्पोर्ट पर क्लिक करोगे, ये बहुत ज़रूरी है, तो आपको इस वाले प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट कर लेना है। इस वाले प्रोजेक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करने में या तो इंपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो गाइस आपको इस वाले प्रोजेक्ट को सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करोगे इस प्रकार से होगा। और गाइस अपना इंटरनेट को ऑन जरूर से रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैट है जो कि आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, ओके, अगर ये वाला काइनमास्टर रहेगा तो। अगर ओल्ड वर्जन का काइनमास्टर होगा तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, ओके, तो इसलिए अपना इंटरनेट का जो है ऑन रखना। अब गाइस देखो करना क्या है, थोड़ा पूरा परफेक्ट नहीं बन पाया है, फिर भी मैंने बहुत ही अच्छे से इसको मैनेज किया है। तो गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चार फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो गाइस सबसे पहले आपको काइनमास्टर के होम पेज में आना है और क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे साइज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 1:1 का, ओके, फिर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे चार फोटो को सिलेक्ट कर लेना, अपना कोई भी चार फोटो को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना, ओके। जैसे कि मैं चार फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस प्रकार से आपको चार फोटो को सिलेक्ट करना है। चार फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस साइड आप लोग दे सकते हो, आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो ऊपर में लिखा हुआ है कैप्चर एंड सेव, इस पर क्लिक करना है। फिर आगे वाला इमेज पर जाना है और इसको कैप्चर करना है, फिर जो आगे इस पर जाना है और कैप्चर करना है, और इस प्रकार से इसको भी कैप्चर कर लेना है, ओके। उसका इन सभी फोटो को यहाँ से डिलीट करके आपको उसी वाला प्रोजेक्ट में चले जाना है जिसको हमने अभी इंपोर्ट किया है, ओके, तो मैं उसमें चले जाता हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद आपको देखो करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे नीचे जाना है और फर्स्ट वाला इमेज पे क्लिक करना है, और आपको रिप्लेस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और जो आपने कैप्चर किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, काइनमास्टर कैप्चर करके लिखा हुआ, तो इसमें आपको उस वाले फोटो को सिलेक्ट करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, कैप्चर करके लाना वहाँ से उस साइज में, फिर जाके आपको यहाँ पे इन चारों फोटो को सिलेक्ट करके रिप्लेस कर लेना है इस प्रकार से। फिर आगे जाना है और एक इमेज मिलेगा, इसको रिप्लेस करना है किसी और इमेज के साथ, ओके, और उसके बाद फिर आगे जाना है और एक इमेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है और रिप्लेस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से फिर से आपको इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपने क्रॉप किया था। तो इस प्रकार जैसे आप कर लोगे इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें, ओके। उसके बाद आपको देखो करना क्या है, यहाँ पर आना है और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट निकालना है। डुप्लीकेट निकालने के बाद इसको स्लाइड करके इसको आपको यहाँ पे लेकर जाना है, एक बीट मार्क छोड़ के उसके बाद जो आगे बीट मार्क है इस पर लेकर आ जाना है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो मैंने इसको लेके यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे एक बीट मार्क छोड़ के यहाँ पे आपको लगा देना है इस प्रकार से, ओके। फिर आपको क्या करना है, इधर जो आपको दिखाई दे रहा है इमेज ये वाला 12 सेकेंड पर जो है इसको आपको डुप्लीकेट निकालना है, और इसको स्लाइड करके यहाँ पर इस इमेज के आगे आके यहाँ पर लगा देना है जिस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ, आप लोग दे सकते हो, ओके। और इसका जो साइज है ना आपको इस प्रकार से मैनेज करते रहना है, ओके, बीट मार्क पे ही इसका साइज रखना है, बीट मार्क के हिसाब से रखना है, ज़्यादा साइज नहीं रखना है इस प्रकार से। सो गाइस फिर आपको इस वाले जो है इसको सिलेक्ट करना है, ओके, जिसको हमने पहले डुप्लीकेट निकाला था, फिर इसका डुप्लीकेट निकालना है और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आके लगा देना है इस प्रकार से, ओके, इस इमेज के आगे, और फिर इसका साइज मैनेज कर लेना है, और बढ़ रहा है तो बढ़ा देना और घट रहा है तो घटा देना है इस प्रकार से,
सो फिर इसका डुप्लीकेट नहीं निकालना है आपको, ये जो छोटा वाला है इसको डुप्लीकेट निकालना है। ओके, फिर इसको इधर स्लाइड करके यहाँ पे लेके आ जाना है, इस वाले इमेज के आगे इसको लगा देना है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना अच्छे से, इसको आप जो है मतलब डुप्लीकेट निकालना, फिर आपको ये जो 15 सेकेंड पे इसका डुप्लीकेट निकालना है और फिर से डुप्लीकेट वाले को इस प्रकार से स्लाइड करके यहाँ पे आके लगा देना है। ओके, तो साइज को आप जो इसका लेंथ है उसको बढ़ा मतलब घटा के अच्छे से मैनेज करते जाना है। ओके, सो फिर इधर आना है और इसका डुप्लीकेट निकालना है। तो यहाँ पे जो दो एनिमेशन है मतलब जो फोटो है मैं दो प्रकार का है, तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग करके डुप्लीकेट निकालने के लिए कह रहा हूँ। ओके, फिर इसको यहाँ पे लगाना है और फिर से इसका डुप्लीकेट निकालना है और इसके आगे लगाना है। तो सिंपल प्रोसेस आपको वही करना है, उसका डुप्लीकेट निकाल के उसके आगे लगाना और उसका डुप्लीकेट निकाल के उसके आगे लगाना है, इस प्रकार से लगाते जाना है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि दो इमेज आपका सेम नहीं होना चाहिए, मतलब दो इमेज एक साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वीडियो नहीं बन पाएगा। ओके, तो यह आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने इसको लगा दिया है, इसका लेंथ इस प्रकार से घटा लेना। अब गाइस जैसे आप यहाँ पे प्लग करके देखोगे, आप देखना कि जो हमारा दो इमेज है वो सेम तरीका से ना आए, देखो इस प्रकार से आ रहा, दूसरा इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, तो इतना हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब सबसे पहले क्या करना है, शुरू में आ जाना है, शुरू में नहीं यहाँ पे 11 सेकंड पे आ जाना है, और जो पहला इमेज है आपको इस पर क्लिक करना है और रिप्लेस वाला आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप कोरोपेड इमेज मतलब ऐड मत करना, यहाँ पे आप कोई भी फोटो यूज कर सकते हो। ओके, इस प्रकार से फोटो को ऐड करना है, फिर आगे जाना है और ऊपर में एक फोटो मिलेगा, इसको सेलेक्ट करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है, फिर से अपना कोई और फोटो को सिलेक्ट करना है। ओके, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको अपनी फोटोज़ को ऐड करते रहना है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देखते हो, इधर जितना भी फोटो आपको हमने डुप्लीकेट निकाला था सभी को आपको अपनी फोटो के साथ रिप्लेस कर लेना है पहले। ओके, तो इधर जितना भी फोटो है सभी फोटो को रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे सभी फोटो को पहले किसी और फोटो के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा सभी फोटो रिप्लेस हो चुका है। अब मैं फिर से आपको बता देता हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको 11 सेकंड में फोटो मिलेगा, इसका डुप्लीकेट निकालना है और इसको स्लाइड करके इस वाले जो फोटो है, इस वाला फोटो इसके एड में आके लगाना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे लगाओगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट निकालना है। ओके, जो 13 सेकंड पे दो फोटो रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखना, और इसको यहाँ पे आके लगाना है, यहाँ पे ये हमारा खत्म हो रहा है ये वाला इमेज, फिर से इस वाले फोटो को डुप्लीकेट निकालना है और इसको यहाँ पे लगाना है जहाँ पे वो वाला इमेज खत्म हो रहा है जो हमारा बीट मार्क है। ओके, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको एंटर करना है, उसके सभी फोटो को अपनी फोटो के साथ रिप्लेस कर लेना है। ओके, सो जैसे आप इतना कर लोगे, सबसे पहले आपको जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसका डुप्लीकेट निकालना है। ओके, जो हमारा वाइट वाइट दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट निकालना है। डुप्लीकेट निकालने के बाद इसका डुप्लीकेट वाला लेयर जो है इसको स्लाइड करके यहाँ पे लेके आना है, एक बीट मार्क छोड़ देना है, अगला जो बीट मार्क है इस पे आके इसको लगा देना है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना, एक बीट मार्क को छोड़ के अगला बीट मार्क पे लगाना है इस प्रकार से। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, फिर इसका डुप्लीकेट निकालना है। ओके, और डुप्लीकेट निकालने के बाद फिर से एक बीट मार्क को छोड़ना है और अगला बीट मार्क पे आके लगा देना है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, इस प्रकार से आपको लगा देना है। इसी प्रकार से इसका डुप्लीकेट निकाल के एक बीट मार्क को छोड़ छोड़ के यहाँ पे एक बीट मार्क पे ले जाके लगाते जाना है। ओके, तो इस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। ओके, सो इस प्रकार से फिर से डुप्लीकेट निकालना है इसका, और बैक का हो गया। सो इसी प्रकार से आपको इसका डुप्लीकेट निकाल के एक बीट मार्क को छोड़ छोड़ के अगला बीट मार्क पे ले जाके लगाते जाना है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना कि इमेज मतलब बीट मार्क के साथ आपका इमेज पे ही लगना चाहिए अच्छे से। ओके, ताकि हमारा इमेज में फ्लैश इफेक्ट आ सके। ओके, तो हमारा फ्लैश इफेक्ट उसी इमेज में लगेगा जो इस प्रकार से आएगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे आप मैच कर लेना कि इस प्रकार से आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आपको इधर आ जाना है शुरू में, और यहाँ पे जो आपको एक इफेक्ट दिखाई देगा आपको इसका डुप्लीकेट निकालना है। इसका डुप्लीकेट निकालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो है ना 14 सेकंड पे इसको मतलब स्लाइड करके लेके आ जाना है। ओके, यहाँ पे सो यहाँ पे इस इफेक्ट को इस प्रकार से लगाना है ताकि ये दोनों फोटो पे आ सके इस प्रकार से। ओके, तो एक फोटो का एंडिंग पार्ट पे लगाना है और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट पे। ओके, इस प्रकार से फिर इसका एक डुप्लीकेट निकालना है। ओके, फिर से इसको स्लाइड करके यहाँ पे एक बीट मार्क को छोड़ के अगला बीट मार्क पे आके लगा देना है, और बिल्कुल बीच में लगाना है ताकि दोनों इमेज पे आ सके। फिर से इसका डुप्लीकेट निकालना है। ओके, और इसको स्लाइड करके इधर एक बीट मार्क को छोड़ के एक बीट मार्क पे लगा देना है इस प्रकार से, ताकि दोनों इमेज में आ सके। ओके, फिर से इसका डुप्लीकेट निकालना है और लास्ट वाले बीट मार्क पे ले जाके लगा देना है इस प्रकार से। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो लग चुका है इस प्रकार से। सो आपको इस प्रकार से लगा देना है। ओके, तो जैसे आप इतना कर दोगे इस प्रकार से लग जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो जैसे आप इतना कर लोगे आपकी जो वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। अगर इसमें आप कोई टेम्पलेट वीडियो एड करना चाहते हो तो वो भी एड कर सकते हो, बट मैं नहीं एड कर रहा हूँ।
ओके तो इस प्रकार से आप देख सकते हो मैंने कहाँ पे कौन सा टेम्पलेट, कौन सा इफेक्ट लगाया, कौन सा ब्लर इफेक्ट कहाँ पे लगाया, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। ओके सो फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है और अपने वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।